दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि BSNL का जो 4G है वो बहुत सारे लोकेशन के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस स्टेट के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर BSNL का 4G आ चुका है। बिहार, झारखंड की अगर मैं बात करता हूँ, वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन स्टेट के कुछ कुछ एरियाज के अंदर BSNL का 4G मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी बहुत इलाका है जहाँ पर BSNL का 4G नहीं आया है। लेकिन BSNL अपने 4G के ऊपर काम कर रहा है। अभी यूपी ईस्ट के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, जल्दी जल्दी काम चल रहा है। पूरा अयोध्या जो है BSNL 4G से कवर हो चुका है, और भी बहुत सारे एरिया के अंदर जहाँ पर कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं है वहाँ पर भी BSNL अपना काम कर रहा है। तो धीरे धीरे BSNL जो है अपने 4G को डिप्लॉय कर रहा है, और जून 2024 के लास्ट तक BSNL अपना 4G जो है पूरे पैन इंडिया पे लॉन्च कर देगा, ऐसे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर रोशनी वैष्णव सर की तरफ से बताया गया है। तो आज का ये जो वीडियो है ये तमिलनाडु का अपडेट के बारे में वीडियो है। तमिलनाडु का जो BSNL का मुख्य महाप्रबंधक है, उन्होंने BSNL 4G के बारे में क्या कहा है वो आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में BSNL का जो मुख्य महाप्रबंधक है डी थमीज मनी, ठीक है, शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित एक प्रेस वार्ता के थ्रू उन्होंने कहा है कि BSNL का जो 4G है वो अप्रैल महीने के लास्ट तक पूरे तमिलनाडु पे लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और अभी तमिलनाडु के और भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी BSNL का 4G अवेलेबल है, जैसे कि तिरुचिरापल्ली, नागरकॉयल, सलेम एंड मदुराई, ये चार ऐसे इलाका का नाम उन्होंने बताया है जहाँ पर BSNL की तरफ से 4G ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, और बाकी इंडिया के अंदर BSNL का 4G जो है वो अप्रैल 2024 के लास्ट तक तमिलनाडु पे दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि 24 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 228 विलेजेस हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ठीक है, वहाँ पर BSNL जो है अपने 4G का काम शुरू कर दिया है। टोटल तमिलनाडु पे 24 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 228 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर किसी भी कंपनी का नेटवर्क वगैरह नहीं है, वहाँ पर BSNL अपना 4G का काम जो है शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसका भी काम चल रहा है, और BSNL जो है अपने इंडिजिनियस वे से एकदम देसी 4G रेडी कर रहा है। तो ये 4G कोर नेटवर्क रेडी करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये 4G कोर नेटवर्क रेडी किया जा रहा है, तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन जून 2024 के लास्ट तक पूरे पैन इंडिया पे BSNL की तरफ से 4G दिखने को मिल जाएगा, और तमिलनाडु पे अप्रैल के लास्ट तक ऑलमोस्ट 90% या 95% 100% एरिया के अंदर BSNL की तरफ से 4G मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का एक छोटा सा अपडेट आया था। इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या तमिलनाडु जो है पूरे तमिलनाडु BSNL 4G से कवर हो सकता है अप्रैल महीने 2024 के लास्ट तक? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह का BSNL रिलेटेड अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।